Assalamualaikum, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करने। मैं इस वक्त एबटाबाद शहर से गुजर रहा हूँ। यहाँ भी थोड़ी देर पहले मैंने पकौड़े खाए जो कि बहुत ही टेस्टी थे। मैं शूट नहीं कर सका क्योंकि मेरी जो बैटरीज थी GoPro की वो चार्जिंग पे लगी हुई थी। तो आप लोग यहाँ जब भी आए तो पकौड़े और मछली ज़रूर खाइएगा जो कि यहाँ की बहुत मशहूर है। फराज भाई को देखें, शपाटरों की तरह निकलने हैं भगाते हुए, और सरमत भाई तो फुल मौज के अंदर है, मतलब फुल गाने सुनते हुए जा रहे हैं, ना किसी का हॉर्न सुन रहे हैं ना किसी की लाइट देख रहे हैं। अरे सरमत भाई, आराम से पहुंच जाएंगे हम नारान रात होने से पहले। अच्छा, एबटाबाद को सिटी ऑफ स्कूल्स भी कहा जाता है, और केपी के से लाखों बच्चे जो हैं वो यहाँ पढ़ने के लिए भी आते हैं। और ये सामने जो है बोर्ड लगा हुआ है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल का, और ये है राइट साइड के ऊपर ये जो टैंक खड़ा हुआ है। यहाँ से जो राइट साइड पे जो रोड जा रहा है सीधा, ये PMA काकुल जा रहा है। और माशाल्लाह से मेरा कज़न भी यहाँ पे होता है, मुझे उससे मिलना था लेकिन मिल नहीं सका। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो बिज़ी था और मेरे पास भी टाइम का इशू था, क्योंकि हम लोग को नारान जो है वो रात होने से पहले पहुँचना है। अच्छा, यहाँ पर ये लेफ़्ट पे देखें कितने कैंप पड़े हुए हैं, और मच्छरदानियाँ भी पड़ी हुई हैं, और बच्चों के स्विमिंग के लिए जो सामान होता है वो भी पड़ा हुआ है। असल में ये है मेन टूरिस्ट पॉइंट, यहीं से जो है वो रास्ता निकलता है नारान कागान का, और यहीं से रास्ता निकलता है आगे अयूबिया के लिए, मरी के लिए। तो इनसे अगर आप बारगेनिंग करें तो ये आपको अच्छे रेट में सामान दे देते हैं। अच्छा, एबटाबाद में मार्बल, जिप्सम और ग्रेनाइट जो हैं ये काफ़ी मशहूर हैं। पीछे हम लोग रुके हुए थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वहाँ एक मार्केट थी, मैंने वहाँ पर देखा जाकर, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इस चीज़ को देखकर। मैं लोगों से सुना था तो आज मैंने देख भी लिया। और ये जो है सामने ट्रैफिक पुलिस का जो है नाका लगा हुआ है, और ये सबको रोक रहे हैं लोग, हमें भी रोक लिया।
अच्छा गाइस, एक बैड न्यूज़ ये है कि हमारे दो दोस्तों के चालान कटे। एक अपना लाइसेंस लाना भूल गया था, दूसरे का लाइसेंस एक्सपायर था, तो दोनों पे पेनल्टी फाइन हुए। अच्छा अभी हम जो है ना मानसेरा के बाईपास के ऊपर से गुजर रहे हैं, और आप लेफ्ट पे व्यू चेक करें, माशाल्लाह क्या व्यू है। और ये जो टर्निंग है ना, इसके ऊपर ही बड़े ध्यान से चलानी पड़ती है बाइक, क्योंकि आप जब डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो आपकी बाइक स्पीड बहुत पकड़ती है एकदम। और आप ये मेरे लेफ्ट पे दरख्त का व्यू देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इस शहर का नाम राजा मान सिंह के नाम से रखा गया है, मानसेरा, जो इस इलाके का पहले हुक्मरान था। और यहाँ पर जो ज़बानें बोली जाती हैं वो है इनको कश्मीरी, कोहिस्तानी। तो भाई यहाँ पे एक और ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया। चलो भाई लगाओ बाइक फिर आगे। फराज भाई आपका बैग ना गिर जाए। तो यहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस ने जो था वो लाइसेंस के बारे में पूछा था दोनों दोस्तों से, तो उन्होंने अपने जो चालान कटे हुए थे तो दोनों की स्लिप दिखा दी थी। तो अब वो यही पूरे नॉर्थ के टूर पे यही स्लिप यूज़ करेंगे दोनों।
राइड हमने सुबह बहुत अच्छे टाइम पे स्टार्ट की थी, तो अभी हमें बिल्कुल भी रश नहीं मिल रहा, और अगर हम लेट स्टार्ट करते तो हमें बहुत ही ज़्यादा रश मिलता है इस रोड की। और अब आप ये लेफ्ट पे चेक करें, ये जो पहाड़ है, ये वाले पहाड़ जितने भी हैं, ये सारे के सारे कागान के पहाड़ हैं। और अब हम यहीं से, इन्हीं के पास से होते हुए नारान जाएंगे। और ये मुबशर भाई भी कह रहे हैं जल्दी करो। अच्छा, यहाँ से बालाकोट की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। और जब आप माउंटेन एरिया के पहाड़ चढ़ रहे होते हैं तो इसका मतलब कि आप किसी वैली से बाहर आ रहे होते हैं, और जब आप पहाड़ उतर रहे होते हैं इसका मतलब किसी वैली के अंदर दाखिल हो रहे हैं। माशाल्लाह व्यू चेक करें आप भाई, ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये माशाल्लाह से हमारा प्यारा पाकिस्तान है। ज़रूर देखें पाकिस्तान नॉर्थ एरिया, आप ज़रूर आएँ अपनी फैमिली के साथ, ख़ुद भी आए, ज़रूर विज़िट करें, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अरे अरे मुबशर भाई ध्यान से, यहाँ पर जो ट्रैफिक है ये सिंगल रोड है, और इससे आपको ख़ुद को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है।
और ये सरमत भाई जो हैं हॉर्न मारते हुए जा रहे हैं, और ये फराज भाई को समझाने गए हैं कि भाई लेफ्ट से जो है ओवरटेक ना करो, बड़ा डेंजरस है। बिन इश्क रेस्टोरेंट, क्या बात है, इसका नाम होता है बिना इश्क रेस्टोरेंट। और ये राइट पर सारे अगवानी कारपेट जो हैं ये सेल हो रहे हैं, और ये पीछे एबटाबाद के अंदर भी जो था काफ़ी जगहों पे मैंने देखा था, और ये बच्चों के कुछ खिलौने, माशाल्लाह व्यू देखें आप, ज़बरदस्त।
अच्छा यहाँ पर आपको जहाँ पर भी पानी मिलेगा वो सारा पहाड़ों से पानी आ रहा होता है, और यहाँ के जो पानी आता है उसको नाला कहते हैं ये लोग, इनकी ज़बान में लोग नाला कहते हैं कि नाले से पानी आ रहा है, एक्चुअली पहाड़ों से पानी आ रहा होता है। अच्छा यहाँ से इनकी मार्केट्स और होटल रेस्टोरेंट्स और कैफे जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं सारे के सारे। अच्छा ये है दरियाए कोनार, ये रहा, और दरियाए कोनार जो है ये कि भाई कागान नरान से लेकर लुलु शहर तक आपके साथ साथ चलता रहेगा, और ये जो दरिया है ये अफगानिस्तान से आ रहा है पाकिस्तान में, ये चित्राल की ब्रोगल वैली से एंटर होता है, और चित्राल में इस दरिया को जो है मस्तूज और अकामा बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे होटल्स और गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट्स कैफे ये सारे के सारे राइट साइड के ऊपर जो हैं ये स्टार्ट हो गए, और इधर रूम्स भी मिल जाते हैं आपको स्टे करने के लिए। और साथ साथ आप व्यू भी चेक करते हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है।
अच्छा ये PSO का पंप आ गया और यहाँ से मुझे पेट्रोल रिफ़िल करवाना है, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट रिफ़िल करवाऊँगा वो चिलास से करवाऊँगा। और इसी के साथ आज मैं अपने एपिसोड नंबर 2 को यहाँ पर एंड करता हूँ। तो जिन भाइयों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको अप टू डेट मिलती रहें। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एपिसोड नंबर 3 के अंदर। भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।